क्या कभी आपने सुना या सोचा है कि कोई शख्स अपनी किडनी बेचने के लिए आवाज़ लगाएगा? यदि नहीं तो इस खबर से अपडेट हो जाइए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा पटना की सड़क पर देखने और सुनने को मिला है। वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसका नाम संजीव कुमार है और वह बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला है, जो यहाँ की सड़क पर अपनी किडनी बेचने के लिए हाथों में पोस्टर लेकर घूम रहा है और किडनी ले लो की आवाज़ लगा रहा है। संजीव कुमार का मानना है कि किडनी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उसे ससुराल वालों को देकर अपनी पत्नी से मिलेगा। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि शख्स ने अपने ससुराल वालों को चेतावनी दे डाली है, अगर इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अपनी जान भी दे देगा। अच्छा, सब कोई सास ससुर का भी जिक्र किया है आप, ससुर जी आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, फोटो नहीं आ रहा वही है ना, होता है तो उनका फोटो कहाँ नहीं लगा है? फोटो नहीं है, पीछे जो चेहरा होता है वो हमेशा हाइड होता है, फोटो के पीछे चेहरा को हाइड किया हुआ है। तो क्या ऐसा वजह आ गया कि आप किडनी बेचने के लिए मजबूर हो गए? ससुर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, 10 लाख रुपया मांग और तलाक। अच्छा, तो आप किडनी बेच के पैसा नहीं बेच के उसको पैसा दे देंगे और अगले दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप करते क्या है? मैं दिल्ली में रहता हूँ। काम क्या करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस का काम है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। दरअसल युवक का आरोप है कि ससुराल वाले उसे 5 साल से उसकी पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हैं, जिससे वह परेशान हो गया है। जब वह उससे मिलने जाता है तो ससुराल वाले मारपीट करते हैं, वह बेवजह पैसों की डिमांड करते हैं, प्रशासन भी उसकी मदद नहीं कर रहा है और इससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।